फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे टू टुवर्ड्स एंटिल आफ्टर बिफोर. फ्रेंड्स ये सारे प्रीपोजिशंस हैं. जैसा कि लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने कुछ प्रीपोजिशंस को डिस्कस किया है वैसे ही आज भी हम लोग आगे कुछ प्रीपोजिशंस डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स लेट्स गेट गोइंग. पहला मैंने लिया है टू. पहले ये देखते हैं फ्रेंड्स टू है टिल है आफ्टर है बिफोर है टुवर्ड्स है. ये सारे प्रीपोजिशंस हैं. वैसे आप देखें तो टू जो है प्लेस के लिए भी यूज किया जा सकता है और टाइम के लिए भी यूज किया जाता है. टू जो है प्लेस के लिए भी यूज करते हैं मतलब प्लेस प्रीपोजिशन भी कहलाएगा और टाइम प्रीपोजिशन भी कहलाएगा. बात रही टिल की तो टिल भी टाइम प्रीपोजिशन है. अंटिल फ्रेंड्स कंजक्शन है. वैसे टिल को भी हम लोग कंजक्शन के लिए यूज करते हैं. आफ्टर भी टाइम प्रीपोजिशन है बिफोर भी टाइम प्रीपोजिशन है. यहाँ पे टुवर्ड्स एक डायरेक्शन शो कर रहा है. तो फ्रेंड्स चलते हैं. सबसे पहला सेंटेंस है दे वर्क फ्रॉम 5 to 10. उन्होंने 5 से दे वर्क फ्रॉम 5 to 10 मतलब 5 से 9 बजे तक उन्होंने काम किया. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखना है कि टू जो प्रीपोजिशन है ना वो अभी टाइम की बात जब हम करेंगे तो अक्सर ये फ्रॉम के साथ ही आता है. फ्रॉम के साथ ही आएगा. फ्रॉम के साथ आगे टू फॉलो होता है. टू प्रीपोजिशन यूज होता है. अगर आप चाहें कि टू की जगह पर टिल या अंटिल यूज कर लें तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है जैसे एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा दे वर्क फ्रॉम 5 to 10 उन्होंने 5 से 9 काम किया. तो फ्रॉम तो से हो गया फ्रॉम 5 to 10. तो ये टू यहाँ पे हम प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं टाइम के लिए. अभी प्लेस के लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. जैसे एग्जांपल एक देखते हैं लेट्स स्टार्ट नाउ एंड वर्क टिल डार्क. चलो काम शुरू करते हैं और डार्क अंधेरा होने तक काम करेंगे हम लोग. तो यहाँ पे क्या है टिल का मतलब वैसे क्या हुआ प्रीपोजिशन में यहाँ पे तक. तो टिल जो है यहाँ पे टाइम प्रीपोजिशन है. 4 बजे तक 6 बजे तक 7 बजे तक एक पर्टिकुलर टाइम बता रहे तो वहां पे क्या यूज कर रहे हैं टिल. वैसे आप देखते हैं फ्रेंड्स टिल और बाय भी प्रीपोजिशन है. यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा और टिल दोनों का मतलब एक ही हो रहा है तक 5 बजे तक. तो टिल आपने देखा होगा शाम तक तो बाय इवनिंग. फ्रेंड्स वैसे टिल यूज करते हैं जब कुछ टाइम सर्टेन होता है तो टिल यूज करते हैं और टाइम थोड़ा अनसर्टेन होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बाय. टिल कहाँ यूज करेंगे एक सर्टेन टाइम के लिए. एक टाइम जब थोड़ा सर्टेन हो तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं टिल और टाइम थोड़ा अनसर्टेन हो सर्टेन नहीं हो तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं बाय. अब अनसर्टेन का मतलब जैसे किसी ने कहा कि मैं शाम तक लौटूंगा वह शाम तक लौटेगा ही विल रिटर्न बाय इवनिंग. अब बाय इवनिंग शाम तक अब शाम 6 बजे तक 5 बजे तक 8 बजे तक कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं है. जब अगर पर्टिकुलर टाइम मेंशन होगा तो फिर हम वहां पे क्या यूज करेंगे टिल यूज करेंगे और पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे बाय यूज करेंगे. बाय वैसे ट्रैवलिंग वगैरह के लिए भी यूज करते हैं जैसे आप कहते हैं ना बाय ट्रेन बाय बस तो वहां पे भी बाय एज अ प्रीपोजिशन यूज होता है. लेकिन यहाँ पे भी बाय और टिल एज अ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है लेकिन बाय यहाँ पे किसके लिए यूज कर रहे हैं टाइम के लिए. जैसे आपने कहा कि बाय दिस पर्टिकुलर डेट इस डेट तक. ठीक है तो वहां पे थोड़ा अनसर्टेन है. सर्टेन होता है तो टिल यूज करते हैं जैसे 4 बजे तक तो टिल 4 PM. जैसे एग्जांपल आगे देखते हैं हम लोग विद इन गेट होम टिल 2 AM. 2 बजे तक हम लोग घर नहीं लौटे थे 2 बजे तक टिल 2 AM सुबह रात 2 बजे तक हम लोग घर नहीं लौटे थे. तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम टिल. अगर आप चाहेंगे ये वाले सेंटेंस में कि लेट्स स्टार्ट नाउ अब शुरू करते हैं एंड वर्क टिल डार्क टिल की जगह पर अगर टू यूज करेंगे तो पॉसिबल नहीं है. टू इज नॉट पॉसिबल हियर. टू यहाँ पॉसिबल नहीं है मुमकिन नहीं है. टू यूज नहीं हो सकता है. टू जब भी होगा तो फ्रॉम के साथ यहाँ पे टाइम के लिए टू यूज करेंगे. ठीक है टिल और बाय आपको समझ में आ रहा होगा. फिर से देखते हैं बाय यूज करेंगे थोड़ा अनसर्टेन टाइम के लिए और टिल यूज करेंगे सर्टेन टाइम के लिए. दोनों का मतलब हो रहा है तक शाम तक. तो एक सर्टेन पर्टिकुलर टाइम नहीं पता है तो आप क्या बोलेंगे बाय इवनिंग. और वही अगर हो 4 बजे तक तब आप क्या यूज करेंगे टिल 4 PM टिल 2 PM टिल 2 AM तो वहां पे टिल यूज करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं वी डिडंट गेट होम टिल 2 AM. ये हम लोग डिस्कस किया हम लोग घर 2 बजे तक नहीं लौटे तो यहाँ पे टिल 2 AM. AM टाइम एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स था तो यहाँ पे टिल यूज करेंगे बाय यूज नहीं करेंगे. आगे देखते हैं अब रही बात टू की. टू को जब हम एज अ प्लेस यूज करते हैं तो प्लेस में कहाँ यूज करेंगे डेस्टिनेशन के लिए. जहां पे एक डेस्टिनेशन मतलब होता है फ्रेंड्स मंजिल. एक मंजिल हो रही हो एक कहां तक जाना है मुझे एक पर्टिकुलर जगह पता है तो वहां पे क्या यूज करते हैं टू यूज करते हैं. टूवर्ड्स है दूसरी तरफ. टूवर्ड्स यूज करते हैं हम लोग डेस्टिनेशन डायरेक्शन शो करने के लिए. जब एक डायरेक्शन बताया जा रहा है तो वहां पे क्या यूज करेंगे टूवर्ड्स. स्कूल की तरफ तो टूवर्ड्स द स्कूल. अब फिक्स नहीं है कि स्कूल ही गया है कोई. अगर फिक्स्ड है तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग टू यूज करेंगे. जैसे आप यहाँ पे देखें विड्रॉ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. हम लोगों ने मुंबई से दिल्ली तक
फ्रेंड्स यहाँ पे था वी ड्रोव फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, वी ड्रोव फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, मतलब हम लोगों ने ड्राइव जो किया मुंबई से दिल्ली। तो यहाँ पे टू एक फिक्स जगह है कि दिल्ली तक या दिल्ली, तो वहां पे क्या यूज करा हमने, टू यूज करा। जैसे एग्जांपल है ही इज गोइंग टू कॉलेज, अब वो कॉलेज जा रहा है तो एक फिक्स डेस्टिनेशन पता है। वैसे आप देखें ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टू का मतलब सेंटेंस के हिसाब से बदलता रहता है। अगर आप एक फिक्स्ड मीनिंग चाहेंगे कि टू का मतलब तक हो जाए, टू का मतलब से हो जाए, तो ऐसा नहीं है। सेंटेंसेस के हिसाब से मीनिंग बदलती रहती है, बस आपको देखना है कि टू यूज कहां करना है। तो टू कहां यूज करेंगे हम लोग, जब डेस्टिनेशन एक मंजिल पता चल रही हो, कोई फिक्स जगह है जहां जाना है, एक मंजिल है पता आपको, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टू। जैसे आप यहां पे देखे लिखा ही इज गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रहा है। अगर यही होता कि ही इज गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज, टू की जगह पर अगर टूवर्ड्स यूज कर लेते तो मतलब होता है वो कॉलेज की तरफ जा रहा है। तो एक फिक्स नहीं है उसको मंजिल, उसकी कॉलेज नहीं है, हो सकता कहीं और जा रहा है, कॉलेज की तरफ जा रहा है, हो सकता कहीं और जाए, तो उसके लिए फिर हम लोग वहां पे टूवर्ड्स यूज करते। लेकिन एक फिक्स्ड है तो उसके लिए, एक मंजिल पता है तो उसके लिए टू यूज करेंगे। और अगर डायरेक्शन पता चल रहा है तो वहां पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, टूवर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल आगे देखते हैं, ही इज कमिंग टू मी, वो मेरे पास आ रहा है। टू का मतलब देखें यहाँ पे के पास हो गया, तो मैंने अभी डिस्कस किया था पहले ही कि टू का मतलब बदलता रहता है मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से। बस ये देखना कि एक मंजिल, एक फिक्स पता है, ही इज कमिंग टू मेरे पास आ रहा है, मतलब उसकी मंजिल मैं हूं, अभी मेरे पास आ रहा है, मुझसे मिलने के लिए आ रहा हूं, मतलब एक पता है, नोन है यहाँ पे फैक्ट। तो इसके लिए इंग्लिश हमने कहा ही इज कमिंग टू मी, तो टू यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर वही होता है ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, तो मतलब होता है कि वह हमारी तरफ आ रहा है। अब हमारी तरफ हो रहा है, जैसे अब होता ना कि चार पांच लोग खड़े हैं, हम दो तीन दोस्त खड़े हैं, आप कोई आ रहा है, तो हमने कहा यार ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन पता है कि मेरे पास आ रहा है, मुझसे उसे मिलना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज कमिंग टू मी, ही इज कमिंग टू मी, वो मेरे पास आ रहा है, मेरी उससे बात हुई थी, कुछ काम उसे, तो फिर वहां पे क्या यूज करते हैं, टू। लेकिन एक डायरेक्शन से पता चल रहा है ही इज कमिंग टूवर्ड्स, तो मतलब क्या हुआ, वो हमारी तरफ आ रहा है। हमारी तरफ आ रहा है, किसके पास आ रहा है पता नहीं, सिर्फ उसका डायरेक्शन हमारी तरफ है, तो डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टूवर्ड्स। जैसे आपने कहा ना, ये बस मार्केट की तरफ, ये रास्ता मार्केट की तरफ जा रहा है, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं दिस रोड इज गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, मार्केट की तरफ ये रोड जा रहा है। अब मार्केट की तरफ जा रहा है तो हो सकता है कहीं और भी जा रहा हो, एक फिक्स तो है ना कि सिर्फ मार्केट तक जाएगा, तो फिर वहां पे यूज करते हैं हम लोग टूवर्ड्स। देखते हैं आगे सेंटेंस। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आफ्टर और बिफोर। आफ्टर के बाद देखेंगे फ्रेंड्स, या तो नॉन यूज होता है, या तो प्रोनाउन आ जाता है, या जेरंड फॉर्म आ जाती है। जैसे आप देखें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डोंट बैथ इमीडिएटली आफ्टर अ मील या आफ्टर ईटिंग, मतलब यह हुआ कि आप खाने के बाद, मील के बाद तुरंत एकदम से आप स्नान मत करो, मत नहाओ, आप खाने के तुरंत बाद आप मत नहाओ, मत ऐसा करो, तो वहां पे यूज कर रहे हैं के बाद। यहाँ पे आफ्टर का मतलब क्या हो रहा है, के बाद किसी चीज के भी बाद, अब खाने के बाद, मील के बाद, तो आफ्टर मील भोजन के बाद, यही चीज हमने कहा खाने के बाद, खाना ईट वाला, तो वहां पे फिर आफ्टर ईट। तो यहाँ पे देखे जेरंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म हो रहा है। जैसे आपने कहा कि क्लास के बाद, तो आप बोल सकते हैं आफ्टर द क्लास, तो एक टाइमिंग पता चल रही है क्लास के बाद क्लास हो जाएगी, तो मैंने कहा मैं क्लास के बाद आपको कॉल कर लूंगा, आई कॉल यू आफ्टर द क्लास। आपने कहा कि यार मैं काम पूरा करने के बाद, मैं अपना काम पूरा करने के बाद मैं आपको कॉल कर लूंगा, आई विल कॉल यू आफ्टर डूइंग माई वर्क, आफ्टर डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर लेने के बाद। तो देखा आफ्टर डूइंग, तो डू से बना डूइंग, तो यहाँ पे भी जेरंड फॉर्म यूज हो रहा है, तो या तो आफ्टर के बाद नॉन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरंड हो सकता है। वैसे आफ्टर का मतलब क्या हो गया, के बाद। After conjunction भी होता है, लेकिन अगर इस sentence में देखें तो after यहाँ पे क्या है, preposition है, एक ही sentence है, बस एक position, एक कोई चीज है उससे पहले आ रहा है, तो मतलब ये preposition है। Before का मतलब क्या हो रहा है, के पहले। अब जैसे यहाँ पे एक sentence है, I switch off the phone before going to bed, बिस्तर पे जाने से पहले मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता हूँ, मतलब सोने से पहले, तो यहाँ पे before यूज कर रहे हैं, ठीक है। टाइम पता चल रहा है, They went home by bus. तो यहाँ पे थोड़ा सा sentence बदल जाता है, वो लोग बस से घर गए, और he is going home, वह घर जा रहा है। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा हम लोगों को डिस्कस करना है कि जब होम वर्ड आता है ना फ्रेंड्स, होम आता है, तो होम से पहले हम लोग टू प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं, जबकि हम लोगों ने आगे पीछे डिस्कस किया टू डेस्टिनेशन के लिए शो करता है, यूज करते हैं डेस्टिनेशन को बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे होम एक खुद डेस्टिनेशन है पता चल रहा है। तो ग्रामर के हिसाब से, इंग्लिश के रूल के हिसाब से, हम होम के बाद, होम से पहले टू नहीं लगाते हैं। हाँ, एट होम बोल सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्शंस की बात हो जाती है, जब मोशन की बात हो जा रही है, तो वहां पे टू नहीं लगाते हैं। दे वेंट होम, वेंट टू होम नहीं है, देखें आप। और अक्सर आप देखेंगे गो के बाद टू यूज करते हैं, लेकिन अगर होम नहीं है तब, आप कहीं भी देखेंगे ना, तो गो के बाद टू आएगा, गो टू कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू मार्केट, तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि होम से पहले हम लोग टू प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। दे वेंट होम बाई बस, वो लोग घर बस से गए। अब यहाँ पे नहीं कि दे वेंट टू होम,
एक सेंटेंस आगे भी देखते हैं, ही इज गोइंग होम, वह घर जा रहा है। अब यहाँ पे यूज नहीं करेंगे या नहीं बोलेंगे ही इज गोइंग टू होम, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश हो, दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पे टू यूज नहीं करना। होम से पहले ही इज गोइंग होम सिर्फ होगा। हाँ, अगर ये हो जाए कि ही इज गोइंग टू हिज होम, वह अपने घर जा रहा है, अगर ये यूज कर लेते हैं आप पोजेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे फिर हो सकता है ही इज गोइंग टू हिज होम, वह अपने घर जा रहा है, तो यहाँ पे टू लगा सकते हैं जब ही इज माई ये सब वर्ड यूज कर रहे हैं तब। He is going to his home. वह अपने घर जा रहा है, ये बोल सकते हैं। मैं अपने घर जा रहा हूँ, I'm going to my home. वह अपने घर जा रहा है, he's going to his home. She's going to his home, her home. वह अपने घर जा रही है। लेकिन सिर्फ अगर आपको बोलना है कि वह घर जा रहा है तो he is going home. फिर वहां पे to use नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने सीखा to का यूज, till and till का यूज, after का, before का, towards का, और till के साथ मैंने आपको by भी बताया। होप आपके लिए यूजफुल होगा। इधर इट इज स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।